स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। आज सब लोग बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, खाना वाना बन गया क्या? मेहमान आज ही आ रहा है ना? सारा खाना बन चुका है, सुहाना तैयार हो रही है और ईशान ऑफिस से जल्दी घर आ गया है। हाँ हाँ, ईशान तो जल्दी आएगा ही ना, उसकी बीवी को सजाया जो जा रहा है आज। पर तू क्यों जल्दी आ गई? ईशान, एक मिनट। बड़ी जल्दी आ गए तो? ईशान, तुम्हें देख रहा हूं, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। और खूबसूरत लड़कियों को देखना कोई गलत बात है क्या? नहीं ना, और तुम तो मेरी ऑफिशियल वाइफ भी हो। या ट्रू। वैसे आज इतना हैवी मेकअप क्यों किया है तुमने? मुझे कोई शौक नहीं है हैवी मेकअप करने का। वो तो तुम्हारे घर वालों ने आके मुझसे कहा कि सुहाना सुहाना आज ना तुम्हें पूरी तरह दुल्हन की तरह तैयार होना है। तुम्हें पता है साड़ी कितनी हैवी है? वेरी इरिटेटिंग। वैसे आज तुम्हारा ड्रेस डिजाइनर कौन है? दादी? हा हा हा, वेरी फनी। ओके देखो ईशान, मुझे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत चिड़ी हुई हूँ, तो मुझे और इरिटेट मत करो। ये देखो मैंने सीधी तरह लगाया। हाँ? इधर आओ, हेल्प करो मेरी। बाल मत खराब करो, मेरे बाल मत खराब करो। कितना अजीब लग रहा है मुझे ये सब पहन के। ये क्या कस्टम है ईशान, कोई भी आए उसके सामने दुल्हन बन के बैठ जाओ। आई मीन हाउ रिडिक्यूलस ना। कितनी गवार टाइप दुल्हन लग रही हूँ मैं, टिपिकल बहू, हाउसवाइफ। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। सच बात तो यह है कि तुम हो ही बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। That I know. Thanks. चल अब जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। मैं? मुझे क्यों तैयार होना है? मुझे ये पजामा। तुम्हें भी दूल्हा बनना है बच्चू। तुम्हें मुझ पे बहुत हंसी आ रही थी ना। इट्स सो फनी ना ईशान, नीचे सब हमें दूल्हा दुल्हन बनाने में लगे हैं और उन्हें पता भी नहीं कि हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। क्या ईशान, तुमने ठीक से पहनाया भी नहीं मुझे, यूजलेस यू आर। कॉफी। अरे वाह, अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो। चलो चाय का दौर चल रहा है। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं पीऊंगी, मैं अभी पीकर आ रही हूँ, आप लोग पियो। पक्का? हाँ। आज सब लोग बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, खाना वाना बन गया क्या? मेहमान आज ही आ रहा है ना? सारा खाना बन चुका है, सुहाना तैयार हो रही है और ईशान ऑफिस से जल्दी घर आ गया है।
हाँ हाँ ईशान तो जल्दी आएगा ही ना, उसकी बीवी को सजाया जो जा रहा है आज। पर तू क्यों जल्दी आ गई? ठीक है ना माँ, अब आ गई तो आ गई। हाँ आ गई है तो ठीक है, पर इसे अपने घर में काम नहीं होंगे क्या? कितनी बार कहा है मैंने उसे अपने सास ससुर के साथ बैठा कर, पर ये मानती ही नहीं है मेरी बात। ठीक है ना, मत डांटिए। डांट का रही हूँ, बस कह रही हूँ। अरे तुम्हें पता है हमारे इलेश को नौकरी लग गई। अरे वाह, छोड़ कब रहा है? ये तो इलेश ही जानता है। वैसे इस बार नौकरी अच्छी मिली है, शायद ना छोड़े। 30,000 तनख्वाह मिल रही है। 30,000? ये तो बहुत अच्छी नौकरी है। जरूर उसने कंपनी वालों पर कोई जादू वादू किया होगा, वरना इलेश की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से क्या कमी है मेरे इलेश में? अब इलेश के खिलाफ बोल दिया ना, अब सुनना पड़ेगा। हाँ तो गलत क्या कह रही हूँ, सही तो कह रही हूँ, क्या कमी है उसमें? अब तो जिम्मेदार हो गया है, पता है सबके लिए कुछ न कुछ ले आया है, माँ बाबू जी के लिए भी कपड़े लाया है। ये अच्छी अच्छी बातें तो नहीं बताऊंगी तुम लोग? तुम्हें पता है आज की सब्जियाँ फल सब कुछ वही लाया है ना? तो ये बताओ ना। अच्छा वेरी गुड, रौनक सुनेगा ना तो उसे भी बहुत खुशी होगी, फाइनली इलेश को जॉब मिल गया। रौनक आ रहा है? नहीं वो नए घर के सजावट में लगे पड़े, आज फर्नीचर लेने गए। तो तू क्यों नहीं गई उसके साथ? घर तो तुझे सजाना है ना पन्ना। माँ रौनक जीजू के साथ कुछ सिलेक्ट करना आसान है क्या? अच्छा वो नहीं गई। अरे पंचकुइया रोड पर सारा फर्नीचर मिल जाएगा। राधा बुआ रौनक को नहीं जानती, वो पंचकुइया रोड जाएगा फर्नीचर लेने। क्या राधा बुआ आप भी, मतलब रौनक जीजू को तो ऑस्ट्रेलियन डाइनिंग टेबल चाहिए होगी, फिर मिरर लंदन से, और किसी बहुत ही नामचीन पेंटर की ओरिजिनल पेंटिंग है ना पन्ना। हम चावड़ी बाजार वाले कोई सुझाव ना दे तो ही बेहतर है। करेक्ट, अब समझिया। ना भाभी चलो ना इलेश के पास चल के देखते मेरे लिए क्या लाया। लाया लाया चलो। बड़ी भाभी ऐसे क्या देख रही है? आप क्यों हमेशा डांटती रहती हैं उसे? मैं बस इतना चाहती हूँ कि पन्ना मिले हुए रिश्तों को निभाए। कुछ भी कहो गायत्री, आज भी कुछ बात तो है कसम से। सच में मेरी मुमताज, तुम्हारा हुस्न आज भी वैसा ही है जैसा हमारी पहली मुलाकात के वक्त था। सच? कसम से ऐसा मत कहो ना, कहीं तुम्हारी मुमताज शर्म के मारे पिघल ना जाए। सच? दादी दादी एक और चीज। अच्छा बैठने दे ना, बैठ के थोड़ा थोड़ा पोजिंग स्माइल। वेरी गुड। अभी कैसे ली?
दादी जी एक हाथ दादाजी के साथ भी खिंचवाई लीजिए ना। हाँ भाभी, मुमताज और शाहजहां। हाँ। अरे लेकिन वो है कहाँ? सुबह से तो नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है जरूर चांदनी चौक के पुस्तकालय में जाके बैठ गए होंगे। अरे नानी, नाना जी के साथ आपका झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा? ऐसे क्यों पूछा तू? अरे वो नुक्कड़ पे बैठे मुंह फुला के, मैंने कहा घर चलो तो भड़क गए मुझ पे, दो लगा दी मुझे। ओ। लेकिन कहा क्या? अरे उन्होंने कहा कि मैं घर पे नहीं आऊंगा, कहने लगे कि नानी की सहेली जब तक वापस नहीं जाती मैं घर में कदम भी नहीं रखने वाला। दादी जी ये क्या मामला है? अरे कुछ नहीं बिटिया, जरा सी बहस हो गई थी बस, तभी से मुंह फुलाए घूम रहे हैं। जा जाके मना के लाओ उन्हें। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे मनाने से आ जाएंगे। इसे दो पौड़ियां मुझे चार लगाएंगे वो। फिर अरे ऐसा कर, तू ये कह कि बड़ी ने बुलाया है, शैलजा का नाम सुन के जरूर आ जाएंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। चल। नहीं मैंने मैंने जाना। चल ना ये पकड़। चल ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।